वृंदावन में जो पहली बार पधारे हैं हाथ खड़ा करेंगे? अरे वाह, अधिकतर लोग तो पहली बार आए हैं, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? इस पावन धरा पर आज जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उस कार्यक्रम में प्रमुखता से भक्ति रस का आधार और विषय रहेगा। प्रायः योग वेदांत पर मैं चर्चा करती हूँ। कईयों ने ऐसा भी कहा कि जो भाव की मिठास है, मधुरता है, सरसता है, वो भाव के सागर में डुबकी लगा करके अनुभव में आती है। अदरवाइज यू मिस दैट। हमारे लिए ये श्रेष्ठ समय, मैं कहती हूँ, है हम सब के लिए कि कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम में पधारना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, और उसी मास में आप लोग सब यहाँ आए हैं। प्रारंभ करते हैं वंदना से, मंगलाचरण से। वह रीति जो सर्व समय में एक सी ही रहती है, और वह नेत्र बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, प्रणव की ध्वनि करेंगे 3 बार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये वंदे श्री गुरुवे नमः। बार बार वर मांगो हर्ष देओ श्रीरम पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो ब्रज रस चाखों धूल में धूल है अमृत भरी बांके सांवरे की टेढ़ी मूरत खड़ी नैन कटीले होठ रसीले नैना जादू नैनन तीर मारे मोहन मैं बिरहनी धूल गिरी श्यामा श्याम पुकारू ब्रिज की गलियां छानूं कहीं मिले मोरा सांवरा तमे वाके चरण पड़ू मोती लटकन नाक जड़ी कानन कुंडल सोहे देखा चारों कुंट में मेरो सांवरो जैसो ना जिसके चरण टेढ़ो नयन टेढ़ी कमल टेढ़ी तिरछी जाकी नजर मोहे टेढ़ो टेढ़ो भावे मोहे टेढ़ो टेढ़ो भावे जाको चाहे योग सो साधो योग जी जाको चाहे वेदांत महावाक्य सुनो जी मोहे एक चित बन रस भरी नैन की तेरी जो दिल में पड़ी रस माधुरी मैं चाहूं मेरो बांका श्याम मन मोहे जी मेरो बांका श्याम मन मोहे जी मेरो बांका श्याम मन मोहे जी मन मोहे जी मेरो बांका श्याम मन मोहे जी
बसो मोरे नैनन में नंदलाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल सूरत मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल नैना बने विशाल नैना बने विशाल बसो मोरे नैनन में नंदला बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल
मेरा प्रभु संतन सुखदाई मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल मेरा प्रभु संतन सुखदाई मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल भगत वचल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदला बसो मोरे नैनन में नंदला बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नंदला बस मोरे नैनन में 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 नंदला नटवर लाला सरकार की ए बांके बांके कन्हैया की ए टेढ़ी टेढ़ी सरकार की ए राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
भगवान की कृपा से कोई इस धरती पर कदम रख सकता है, नहीं तो यहां आना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा प्रारंभ यहीं से होती है कि देवों में श्रेष्ठ देव, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, सुत जी को अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर लेने के लिए प्रार्थना करते हैं शौनक, और वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसी अमर कथा है, क्या कोई ऐसी बात है जिसको श्रवण कर लेने के बाद साधक का मन अति आनंद में, अति प्रसन्नता में, भाव विभोर होकर भाव समाधि को प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि भागवत में कई वक्ता है और कई श्रोता है। कभी यही कथा ब्रह्मा जी नारद को सुनाते हैं, कभी यही कथा नारद जी आगे सुनाते हैं, कभी यही कथा सनकादि ऋषि कुमार आगे सुनाते हैं, कभी यही कथा को सुनने के लिए लालाहित परीक्षित हो जाता है। सुखदेव जी के विषय में दो बात सुनने, सुखदेव जी एक ऐसे महामहिम तपोनिष्ठ वैराग्य शिरोमणि महात्मा हैं जो अपने माता के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। पूछा, अरे तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? कहते, जी बाहर आपकी माया है प्रभु, मैं नहीं आता, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। तुम्हारी माया किसी को छोड़ती है क्या? तो मैं तुम्हारी माया से प्रभावित नहीं होना चाहता हूं, मैं तो गर्भ में ही ठीक हूं, यह गर्भ मेरे लिए एक गुफा जैसी है और ऋषि माता के गर्भ में हूं मैं, बड़ा सुरक्षित हूं, मुझे बाहर नहीं आना। ऐसे थोड़ी होता, बाहर तो आना पड़ेगा। कहते, फिर एक बात यह हो सकती है कि तुम कुछ क्षणों के लिए अपनी माया को मेरे से दूर कर दो तो फिर मैं बाहर आने का वचन दे सकता। अरे ठीक है, रोक ली माया, पधारो। अब ये वेद व्यास जी के पुत्र हैं, जो होने वाले पुत्र हैं, ये गर्भ से शर्तें लगा रहे हैं कि मैं नहीं आता बाहर, शर्त लगा रहे हैं कि मैं नहीं आता बाहर, आऊंगा तो तेरी माया मुझे स्पर्श ना करे। फिर कह दूं कि रे वेद व्यास, मूल नाम तो कृष्ण द्वापायन है, पर चूंकि चारों वेदों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, न्यास किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। जिसने वेदों का न्यास किया वह वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास के ये होने वाले पुत्र हैं। वेद व्यास जी इंतजार कर रहे हैं कि अब आओ, अब आओ। वो कहते, 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे,